आज हम यहाँ पर 1 कप मूंगफली से व्रत के लिए बहुत ही अच्छे कलाकंद बना करके तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर कच्ची मूंगफली ली है, यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो आप भुनी हुई मूंगफली से भी कलाकंद बना करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर 2 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी कलाकंद बना करके तैयार करेंगे और इसे आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। इसलिए आप नवरात्रि से पहले इस कलाकंद को बना करके फ्रिज में रख लें और नवरात्रि में आप इसको जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो आप तुरंत ही निकाल करके इसे खा सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। यदि आप इसको ड्राई फ्रूट्स से बनाना चाहते हैं तो आप मूंगफली की जगह ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, यदि कि बादाम पिस्ता से भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा जो हमने मूंगफली का बीजा लिया था, मूंगफली के बीजा को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यदि आप थोड़ा सा इसमें घी डाल करके मूंगफली के बीजा को भूनना चाहते हैं तो आप घी डाल करके भी मूंगफली के बीजा को भून करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे और घी को हम बाद में यूज करेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए धीमी गैस पर भून लेना है। यदि आप इसको तेज गैस पर भूनेंगे तो जो आपकी मूंगफली है कहीं कहीं जल जाएगी और कहीं कहीं कच्ची रह जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल धीमी गैस पर ही लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। जब मूंगफली अच्छे से भुन जाती है तो इसका छिलका उतरने लगता है, तो आपको समझ लेना है कि आपकी मूंगफली भून करके तैयार हो चुकी है। अभी हमारी मूंगफली का छिलका नहीं उतर रहा है, इसलिए हम धीमी गैस पर थोड़ी देर इसको और भूनेंगे। देखो हमारी मूंगफली का छिलका उतरने लगा है। हमने 2-3 मिनट धीमी गैस पर मूंगफली को अच्छे से भून लिया है। 2-3 मिनट में ही हमारी मूंगफली के बीजा हैं अच्छे से भून करके तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हमारी मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो हाथों से हम आराम से इसका छिलका उतार करके निकाल देंगे। जब तक हमने मूंगफली को ठंडा होने के लिए रख दिया है तब तक हम इसकी और आगे की तैयारी कर लेंगे। आज का जो हमारा कलाकंद है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा कि यह हमने कलाकंद किस तरीके से बना करके तैयार किया है। यहाँ पर हमने 250 ml दूध लिया है, यहाँ पर हमने मलाई वाला दूध लिया है। 250 ml दूध में हम आधा किलो कलाकंद बना करके तैयार करेंगे। अब हम दूध को अच्छे से बॉयल होने देंगे, यानी कि जो हमने 250 ग्राम दूध लिया है 250 ग्राम दूध को हम पकाते पकाते आधा कर लेंगे। और हमने थोड़ा सा यहाँ पर केसर के धागे ले लिए हैं, यदि आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं। देखो हमारा दूध अच्छे से बॉयल होने लगा है, तो हमने दूध को छोड़ दिया है और गैस को हमने धीमा कर दिया है और हमने जो मूंगफली के बीजा रखे थे हमारे वो ठंडे हो चुके हैं। हम हाथों से मसल मसल के इसका अच्छे से छिलका उतार देंगे, बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर जाता है। हमने सारी मूंगफली का छिलका उतार करके तैयार कर लिया है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो हमने मूंगफली के भुने हुए बीजे रखे थे उसको हम मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस करके तैयार कर लेंगे। हमने सारे मूंगफली के बीजा को पीस करके अच्छे से तैयार कर लिया है। इसमें हमने कुछ छोटे छोटे से मूंगफली के टुकड़े रहने दिए हैं, देखो इस तरीके से। जब हम इसका कलाकंद बनाएंगे और यह भुनी हुई मूंगफली के टुकड़े हमारे खाने में मुँह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। देखो हमने इसमें जो गुठलियाँ थी सारी गुठलियाँ हाथ से तोड़ करके तैयार कर ली हैं और हमारा अच्छे से मूंगफली का पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर कढ़ाई में जो हमने दूध रखा था दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था थोड़ा थोड़ा सा हम डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। हमें एकदम से मूंगफली के पाउडर को इसमें नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। देखो हमने धीरे धीरे डालते हुए अच्छे से चलाते गए और हमने दूध में मूंगफली के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब हम मूंगफली के पाउडर को दूध में डालें तो गैस को बिल्कुल धीमा रखें। जब मूंगफली के पाउडर को हम इसमें पूरा डाल दें तो गैस को मीडियम कर दें। मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए
हम इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डाल देंगे। यहाँ पर हमने छोटी चम्मच से 3-4 चम्मच चीनी ले ली है। चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए इस दूध को और अच्छे से गाढ़ा कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया था, तो इसमें घी का तो अच्छे से टेस्ट आ ही जाएगा। इसलिए हम इसमें 1 चम्मच भर के छोटी चम्मच से घी डालेंगे। देखो हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के घी ले लिया है। अब हम इसमें घी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारा पेस्ट अच्छे से पक जाए तभी हमें घी डालना है। घी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस को धीमा कर देंगे 1-2 मिनट लगातार चलाते हुए और इसको अच्छे से पका लेंगे। देखो ये हमारा अच्छे से पक कर के तैयार हो चुका है। अब हम 1-2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके जमाने के लिए एक बर्तन तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 बर्तन ले लिया है। बर्तन में अच्छे से घी लगा लिया है। अब हमने जो दूध और मूंगफली का पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चारों साइड एक जैसा करके जमने के लिए रख देंगे। आज का जो हमारा कलाकंद है बहुत ही अच्छा दानेदार बन करके तैयार होगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। नवरात्रि से पहले आप इसको बना करके फ्रिज में रख लें और जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप तुरंत ही निकाल करके इसको खा लें। नुकसान भी नहीं करेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखो हमने सारे कलाकंद को 1 बर्तन में अच्छे से भर दिया है। अब हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से हम इसके ऊपर पिस्ता और बादाम के टुकड़े इसमें लगा देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि बादाम और पिस्ता आपके पास ना हो तो इसके अलावा इसमें कोई और आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। और हमने अच्छे से हाथों से इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को दबा दिया है। अब हम इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब भी हमारा कलाकंद अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अच्छे से पीसेस कट करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमने इसको चेक किया है। देखो जो हमारा कलाकंद है अच्छे से ठंडा हो चुका है। यदि आपको जल्दी से ठंडा करना है तो थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में बहुत ही जल्दी से यह ठंडा हो जाता है। हमने इसी तरीके से छोड़ दिया था तो जो हमारा कलाकंद है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब चारों तरह से हमने चम्मच को अच्छे से कर दिया है और इस तरीके से टैप टैप करके हम थोड़ा सा हाथों से थपथपा करके कलाकंद को निकाल लेंगे। देखो हमने इस तरीके से सारा कलाकंद निकाल दिया है। अब जिस साइज के इसके टुकड़े करना चाहते हैं आप उसी साइज के इसके टुकड़े कर ले। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखो ये हमारा कितना अच्छा दानेदार कलाकंद बन करके तैयार हो चुका है। व्रत से पहले आप इसको 3-4 दिन बना करके रख लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखो ये हमारा कितना अच्छा कलाकंद बन करके तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही यह झटपट बन करके तैयार हो जाता है। सभी को यह बहुत ही पसंद आएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।